हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रूप किशोर, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित न्यूज़ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप इसी तरीके की नोटिफिकेशन और अपडेट्स चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ना यह न्यूज़ अमर उजाला ई पेपर के प्रयागराज संस्करण में 10 जुलाई 2023 को प्रकाशित हुई है। इसके अनुसार भर्ती संस्थाओं के कर्मचारियों को काम, अभ्यर्थियों को नौकरी की आस। प्रदेश की दो प्रमुख भर्ती संस्थाओं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास वर्तमान में कोई काम नहीं है। इन भर्ती संस्थाओं के कर्मचारी भी खाली बैठे हैं। इनके साथ अभ्यर्थियों को भी नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन का इंतजार है, जिससे कर्मचारियों को काम और बेरोजगार अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सके। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कर्मचारियों को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में मर्ज किए जाने की तैयारी है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में 8 स्थायी कर्मचारी हैं, जिनमें 4 कर्मचारी तृतीय श्रेणी और 4 चतुर्थ श्रेणी के हैं। वहीं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 24 स्थायी कर्मचारी हैं। इन दोनों भर्ती संस्थाओं के पास अगस्त 2022 के बाद से कोई काम नहीं है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी एवं प्रवक्ता पीजीटी के 4,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी हुए साल भर होने वाले हैं, लेकिन परीक्षा की तिथि अभी तक घोषित नहीं की जा सकी है। अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही अधूरी पड़ी शिक्षक भर्ती शुरू कराई जा सकेगी। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को नए आयोग में मर्ज किया जाना है। ऐसे में कर्मचारियों को भी काम मिलने का इंतजार है। वहीं इन दोनों भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले तकरीबन 15 लाख अभ्यर्थियों को भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का इंतजार है। भर्ती के लिए फॉर्म भरने के बाद ये अभ्यर्थी साल भर से परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अन्य भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए ओवरएज हो चुके हैं और उनके पास अब कोई विकल्प नहीं रह गया है। तो इस प्रकार से यह थी पूरी न्यूज़, और आगे के नोटिफिकेशंस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।